नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों का परमपिता परमेश्वर हर प्रकार से कल्याण करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूं वो ये है कि आप दीपक जलाने में कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो आपका को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। गलती होगी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फल पूरा प्राप्त नहीं होता। जैसे हर काम का एक कायदा होता है। मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं तो पहले तेल गर्म करते हैं, फिर उसमें बघार डालते हैं, फिर उसके बाद सब्जी डालते हैं। वैसे ही हर एक काम का एक कायदा होता है। पूजा पाठ का तो बहुत ज़्यादा के कायदे होते हैं। नहाने का कायदा है एक, आप खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, हर एक चीज का एक नियम है, एक कायदा है। और इतनी वृहद, इतनी सूक्ष्मता से उसका वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों में किया गया है। और वैज्ञानिक कारणों के साथ मैं बताऊंगी आपको, मैं आगे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दूंगी कि आपको कैसे बैठ के खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, और उसके वैज्ञानिक कारण भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्योंकि जब भी मैं धर्मशास्त्र में की कोई भी आपको बताती हूँ, तरीके बताती हूँ, तो मैं उसका कारण भी आपको, वैज्ञानिक कारण भी जरूर साथ ही साथ बताती हूँ। ये मेरा विषय ही है कि मैं ज्योतिष या धर्मशास्त्र के की जानकारी दूँ तो उसका एक वैज्ञानिक पहलू भी आपके सामने जरूर रखूँ, क्योंकि मैं खुद एक विज्ञान की छात्रा रही हूँ। तो यदि आप दीपक जलाने में ये गलती कर रहे होंगे तो आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा। वो गलती क्या है? क्या आप दिए की बत्ती में सिंगल बत्ती डालते हैं? यदि आप सिंगल बत्ती डालते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। आप देख लीजिए, आपके शरीर में हर एक चीज दो संख्या में है। दो आंखें, दो नाक के छिद्र हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। हर एक चीज़, हमारी किडनी दो है, हर एक चीज़ भगवान ने, हमारे फेफड़े दो हैं, हमें जो भी भगवान ने दिया है वो हर चीज़ जुड़वा दिया है, सिंगल नहीं दिया। हम खुद, हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, अर्धनारीश्वर रूप में हर एक व्यक्ति होता है। हर एक व्यक्ति का जो शरीर होता है वो अर्धनारीश्वर रूप में होता है। बाया हिस्सा स्त्री प्रवृत्ति का होता है और दाहिना हिस्सा पुरुष प्रवृत्ति का होता है। इसमें जब सांस चलती है हमारी, जब दाहिने नाक से सांस चलती है तो उसमें शिव का तत्व होता है, और यदि बाएं नाक से सांस चलती है तो उसमें शक्ति का तत्व होता है। शक्ति का तत्व होता है तो शांति महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है, और इसमें क्रिएटिव वर्क किए जाते हैं, सृजनात्मक काम किए जाते हैं। लेकिन यदि हमारा दाहिना सर चल रहा हो तो इसमें हमें गर्मी महसूस होती है और इसमें मेहनत के काम किए जाते हैं। तो जब हम खुद, हर व्यक्ति अर्धनारीश्वर रूप में है, दो प्रवृत्ति में, प्रकृति के चीज़ें हमारे साथ, हमारे सामने है, तो इसीलिए हमें बत्ती भी कभी भी सिंगल नहीं जलानी चाहिए, जुड़वा बत्ती जलानी चाहिए। देख लीजिए ये बत्ती है, तो ये सिंगल बत्ती डालकर हम दिया में यदि डाल के जलाते हैं तो इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसे दोनों को एक साथ कर, इसके दोनों को एक साथ ऐसे बना लीजिए, ऐसे मल लीजिए, और मल के दो बत्ती को एक बत्ती करके इस तरीके से आप दिया में डालकर, तेल डालकर यदि आप जलाते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप इसी तरह की बहुत ही बहुपयोगी जानकारियों के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 कमेंट्स भी करें। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। तो जय हिंद, वंदे मातरम।